हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल. दिस इज प्रगति पांडे एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेशियो एंड प्रोपोर्शन. टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज प्रोपोर्शन. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज प्रोपोर्शन? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट रेशियो. रेशियो में क्या था? हमारी जो मान लीजिए 2 किलोमीटर्स हैं और 100 किलोमीटर्स हैं, मतलब सेम कैरेक्टर्स वाली चीज़ों को हम कंपेयर करते थे, लेकिन प्रोपोर्शन में भी सेम कंडीशन है. रेशियोज़ तो होंगे, लेकिन दो अलग अलग रेशियो को एक साथ पुट किया जाएगा. मतलब दो अलग अलग रेशियोज़ होंगे, एक क्वांटिटी के भी हो सकते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज़ के भी हो सकते हैं. मतलब जो कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन रेशियो दो अलग अलग रेशियोज़ होंगे और उनकी इक्वलिटी को शो किया जाएगा. जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जांपल में 1:2 है और 2:4 है, यानी ये 1:2 है, ये भी तो 1:2 की कंडीशन हो गई, ये भी तो 1:2 की कंडीशन है. मतलब ये दोनों रेशियोज़ अगर देखा जाए तो इक्विवेलेंट रेशियो है कि नहीं. मतलब दो इक्विवेलेंट रेशियोज़ को जब एक साथ हम रख के कंपेयर करते हैं तो वो हमारा प्रोपोर्शन होता है. इस कंडीशन में क्या किया जाता है? जो फर्स्ट रेशियो होता है उसका दूसरे वाले के फर्स्ट से कंपैरिजन होता है, और जो सेकंड होता है उसका सेकंड रेशियो के सेकंड वाले टर्म से कंपैरिजन होता है. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये अलग रेशियो था, ये अलग रेशियो था, हमने फर्स्ट को फर्स्ट के साथ लिया और सेकेंड को सेकेंड के साथ. तो सेकेंड को सेकेंड के साथ देख रहे हैं आप, यहाँ है, और फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, दोनों कंडीशन में 1:2, और यहाँ भी 1:2 ही हमें मिलेगा. ओके, सो इस तरह की कंडीशन जहाँ होती है वो होता है हमारा प्रपोर्शन. ओके, सो अनदर एग्जाम्पल इज हियर दैट 1:2 एंड 2:4 बोथ आर इन प्रपोर्शन. मतलब सिंपली जो हमारा रेशियो हो वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होना चाहिए, या इक्विवेलेंट रेशियो होना चाहिए. जो फर्स्ट रेशियो है हमारा उसी का इक्विवेलेंट रेशियो होना चाहिए, मतलब काटने के बाद वही रेशियो हमें ऑब्टेन हो. ओके, सो दिस इज़ आवर प्रोपोर्शन. सो वी विल सॉल्व सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन, इन विच वी विल कंपेयर, वी विल इक्वलाइज द टू डिफरेंट रेशियोज. ओके, सो रेशियो के लिए क्या होता है, हमें 4 टर्म्स की ज़रूरत होती है, जिसको फर्स्ट को हम ए बोलते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया. ओके, इस तरह से होता है. मतलब प्रोपोर्शन की कंडीशन में हमारा ये फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी, थर्ड टर्म सी, और ये डी. इस तरह से हम जब रेशियो को लिखते हैं तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ए रेशियो बी, ये रेशियो का साइन है, और ये 4 डॉट्स इस तरह से होते हैं, ये प्रोपोर्शन की साइन होती है, सी रेशियो डी. सो प्रोपोर्शन की साइन आपको पता चल गई. इस तरह से अगर 4 डॉट्स हों तो वो प्रोपोर्शन का साइन होता है. ए बी सी जो है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड ये फोर्थ टर्म. इस तरह से हम इसको रीड आउट करते हैं. अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपको, वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वे में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, किस तरह से हम उसको शॉर्ट आउट करके एक सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे. लेट्स सी हाउ वी विल डू. जब इस तरह की कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, सपोज 1:2 प्रोपोर्शन टू 2:4 दिया गया है. इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस तरह से मान लीजिए दिया गया है कोई, तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म को फोर्थ टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है और सेकेंड टर्म को थर्ड टर्म से. मतलब 1 का 4 से होगा, यानी 1 × 4 प्रोपोर्शन की साइन है. जब ये हम इसको शॉर्ट आउट करते हैं तो यहाँ इक्वल टू हो जाता है, और 2 × 2, यहाँ से भी हमें 4 मिला और यहाँ से भी हमें 4 मिला. मतलब प्रोपोर्शन की साइन में 2 इक्वल रेशियोज़ होते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट रेशियोज़ होते हैं, उनको हम एक साथ रख के शॉर्ट आउट करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स. एक्सट्रीम टर्म क्या हो गया, मतलब दोनों एंड वाले, ये 1 था, ये 4 था, तो
तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब ये हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, मिडिल वाले ये हो गया और ये दोनों मिडिल हो गए। मतलब जब हम रेशियो दो अलग अलग रेशियोज प्रोपोर्शन के फॉर्म में दिए गए हैं, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो ये एक्सट्रीम टर्म्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका प्रोडक्ट इस मिडिल टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ओके, अगर ये बराबर नहीं हुआ तो मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है वो रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट और मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट अगर इक्वल नहीं है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो नंबर्स हैं वो प्रोपोर्शन के फॉर्म में नहीं है। ओके, नाउ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। थ्री नंबर्स ए बी सी आर सेट टू बी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ ए बी एंड बी सी आर इन द प्रोपोर्शन। यहाँ पे क्या था, इस कंडीशन में ए वन था, बी टू था, सी टू था और डी फोर था। ओके, यानी कि अगर देखा जाए तो बी और सी एक दूसरे के इक्वल थे, यानी बी इक्वल्स टू सी, यानी बी का वैल्यू दोनों कंडीशन में सेम था। तो ऐसे जो प्रोपोर्शन होते हैं इनको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं, जिनमें सी की वैल्यू जो है, जो सी वाला टर्म है, जो थर्ड टर्म है और सेकेंड टर्म की वैल्यू जब सेम होती है तो वो होता है हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जैसे कि यहाँ पे थ्री नंबर्स हैं, वन टू और फोर, ओनली थ्री नंबर्स वर देयर और उसको हम इस फॉर्म में रख दिए। वन जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका, वन रेशियो टू प्रोपोर्शन टू टू रेशियो फोर, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। बी का वैल्यू दोनों जगह पे सेम है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की कंडीशन होती है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स जो होता है वो हमारा इक्वल होता है, यानी कि बी स्क्वायर, क्योंकि ये मिडिल टर्म्स हैं, बी मल्टीप्लाई बी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई सी, जो कि एक्सट्रीम टर्म्स हैं। सो इस तरह से हमने देखा। नाउ उसके बाद एक है मीन प्रोपोर्शनल। देखेंगे मीन प्रोपोर्शनल में क्या कंडीशन है। इफ थ्री नंबर्स ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी। कह रहा है कि अगर थ्री नंबर्स हैं, जैसे कि ये वाली एग्जांपल है, वन रेशियो टू प्रोपोर्शन टू टू रेशियो फोर, अगर इस तरह की कंडीशन है, मतलब बी और सी की वैल्यू हमेशा दोनों कंडीशन में सेम ही है, तो उस कंडीशन में जो ये मिडिल वैल्यू होती है, इसीलिए मीन बोला गया है, जो मिडिल वैल्यू होती है यही हमारी मीन प्रोपोर्शनल होती है, इसी को हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो ए और सी का मल्टीप्लिकेशन होती है। ओके, सो इस तरह से हमने देखा कि प्रोपोर्शन क्या होता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है और मीन प्रोपोर्शनल क्या कंडीशन होती है। नाउ वी विल मूव टू द एक्सरसाइज। ओके, सो स्टूडेंट्स हियर इज़ योर एक्सरसाइज 9.2। अब इसमें आप देख रहे हैं कि आपको चार जो है दिए गए हैं टर्म्स ए बी सी एंड डी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट है, ये हमको ए बी सी और डी दिया गया है, यहाँ भी ए बी सी डी दिया गया है, यहाँ भी सारी चीज़ें दी गई हैं। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे ये सीखते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये दिया गया है, 11 था क्वेश्चन, 11, 22, 33, 44 ये क्वेश्चन था आपका। तो मैंने क्या किया, इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फॉर्म में रख दिया। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मिडिल अगर इक्वल है, मतलब 11 इंटू 44 इक्वल्स टू 22 इंटू 33, अगर ये वैल्यू हमारी इक्वल हो जाती है तो मतलब प्रोपोर्शन में है, और अगर इक्वल नहीं होता है तो नॉट इन प्रोपोर्शनल। सो देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हम, 11 का 44 में करेंगे तो होगा आपका 44 484, यहाँ पे आ गया आपका 484। इसी तरह से हमने 33 और 22 को किया तो आया हमारे पास 66, 12, 726।
किसी भी तरह से ये वैल्यूज़ आपकी इक्वल नहीं आ रही हैं, मतलब अनइक्वल है, तो ये कंडीशन हो गई नॉट इन प्रोपोर्शन। अगर ये इक्वल हो जाता तो हमारा वैल्यू प्रोपोर्शन में रहता, हमारा ये क्वेश्चन प्रोपोर्शन में होता। ओके, सो हमने फर्स्ट पार्ट देखा, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ आप खुद से करेंगे। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 25:35 इज इक्वल्स टू x:45। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्वेश्चन, 25:35 इज इक्वल्स टू x:45। फिर से वही कंडीशन हम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, मतलब 25 × 35 इज इक्वल्स टू 25 × 45 होगा ये, क्योंकि ये देखेंगे आप ऐसे है 35 × x। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, 25 × 45 इस साइड जाएगा तो यहाँ होगा डिवाइड के कंडीशन में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, तो दूसरे साइड जब भी कोई भी टर्म जाता है तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, और अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ये चीज़ भूलेंगे नहीं, इसको हम हर जगह अप्लाई करते हैं। अब हम इसको काटते हैं, 5 की टेबल आप पढ़ेंगे, 5 × 5 = 25 and 5 × 7 = 35। एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी 45, आएगा आपका 45 × 5 पे आएगी आपकी वैल्यू 225/7। इसको हम डिवाइड कर देंगे, 7 × 3 = 21 कर लेते हैं यहाँ पे, 3 × 21 15 × 2 = 14 10.1, मतलब एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 32.1। इस तरह से आप एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ओके, सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, सेकेंड थर्ड फोर्थ आपका असाइनमेंट वर्क है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। यू कैन सी दैट हियर आर 49, 64, 13, 26 इन प्रोपोर्शन। कह रहा है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है, तो आप सिंपली जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था, इसको हम पहले प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिख लेंगे। लिखेंगे क्या, 49:64:13:26। उसके बाद हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे। अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की वैल्यू सेम आएगी तो ये प्रोपोर्शन में है। तो इस तरह से आप इसको चेक करेंगे, दिस इज़ ऑल्सो योर असाइनमेंट वर्क, सेम क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, 4:x प्रोपोर्शन टू 8:15। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है सेकेंड क्वेश्चन के जैसा, सेम टू सेम है, तो आप ये खुद से करेंगे। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर, देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, सेवेंथ, थर्ड, ये सब सेम है, फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम है, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ एक्स है, यहाँ भी फोर्थ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तीनों कंडीशन में फोर्थ टर्म एक्स है और आपको एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो जैसा अभी मैंने सेकेंड क्वेश्चन में किया, सेम उसी मेथड को आप अप्लाई करेंगे और आप फाइंड करेंगे फोर्थ टर्म, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। तो आप देख रहे हैं 32, 48 and x, तीन चीज़ें दी गई हैं और बोला गया है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के फॉर्म में है। तो आपको पता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता था, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमने देखा था कि कोई टर्म है a:b और वो प्रोपोर्शन होता था b:c के, मतलब जो हमारा मिडिल टर्म होता था वो हमारा सेम होता था, यानी एक्सट्रीम्स हमारे डिफरेंट होते थे और मिडिल हमारा सेम होता था। तो क्वेश्चन की जो कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फर्स्ट टर्म आपका 32 है, सेकेंड 48 है, मतलब ये ए है, ये बी है, और सी जो वाला जो टर्म है वो एक्स है, वो नहीं दिया गया है। तो हम इस फॉर्म में अब रखेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के, तो ए की वैल्यू आपकी हो गई, डायरेक्टली रखते हैं 32, बी की वैल्यू 48, प्रोपोर्शन टू फिर से बी की वैल्यू 48 x, ठीक है। इस तरह से हमने किया,
ये प्रोपोर्शन का साइन होगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, 32x इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 48। x इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 48 अपॉन 32। ठीक है, आप देखेंगे 16 की अगर हम टेबल पढ़ें, 16 टू जो 32, 16 थ्री जो 48, थ्री टाइम्स में चला जाएगा। 2 से हमने इसको काटा, 24 आ गया, यानी x की वैल्यू जो हमें मिली वो हो गई 24 मल्टीप्लाई 3, जो कि होगा 72। तो सबसे पहली चीज़, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता क्या है इसको ध्यान में रखेंगे। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ए बी और सी तीन टर्म्स ही होते थे, जिसमें पहले हम क्या करते थे, ए और बी का रेशियो होता था और बी और सी का रेशियो होता था। तो ए और बी का रेशियो और बी और सी के रेशियो को प्रोपोर्शन के फॉर्म में रखा जाता था। क्वेश्चन में ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है और सी को बोला गया है एक्स, तो हमने इस फॉर्म में इसको रख लिया और फर्दर सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू 72 आ गई। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। 7 मैंने पहले बताया एक्स फाइंड करना था आपको, तो ये बहुत ही ईजिली आप कर लेंगे। 8th क्वेश्चन देखेंगे कि कह रहा है द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ प्रोपोर्शन आर 5, 7 एंड 25। पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म दिया गया है, फोर्थ टर्म कह रहा है आपको फाइंड करना है। तो फोर्थ टर्म को आप x मान लेंगे, तो फिर से 1, 2, 3 और 4 टर्म हो गए, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है वी मस्ट बी एडेड टू द नंबर 6, 10, 14 एंड 22 सो दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। कह रहा है कि 6 में, 10 में, 14 में और 22 में ऐसा क्या ऐड कर दिया जाए कि हमारा जो आंसर हो जाए वो प्रोपोर्शन के फॉर्म में हो जाए। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, चारों टर्म हमको दिए गए हैं, लेकिन कह रहा है कि ऐसा क्या हम इसमें ऐड कर दें इन नंबर्स में कि ये हमारे प्रोपोर्शन में हो जाए। ओके, देखेंगे इसको कैसे करना है। देखेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 था ये। तो कह रहा है कि इन नंबर्स में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि ये हमारे प्रोपोर्शन के फॉर्म में हो जाए। मतलब प्रोपोर्शन के फॉर्म में होने का मतलब 6:10 प्रोपोर्शन टू 14:22। अब कह रहा है इन सब में ऐसा क्या ऐड कर दिया जाए, मतलब कोई एक नंबर होगा जिसको हम इसमें ऐड करेंगे। तो सपोज वो नंबर हो गया, लेट द नंबर बी एक्स, एक्स हमने लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, 6 में भी एक्स ऐड होगा रेशियो, 10 में भी नंबर ऐड होगा प्रोपोर्शन टू, 14 में भी वो एक्स ऐड होगा और रेशियो 22 में भी वो एक्स ऐड होगा, होगा कि नहीं। फिर ये हमारे एक्सट्रीम्स हो गए और ये हमारे मिडिल टर्म्स हो गए। रखेंगे इसको, सॉल्व करते हैं, 6 प्लस एक्स और इधर वाला एक्सट्रीम हो गया 22 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, वही इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको करेंगे और इससे इसको करेंगे, ऐसे इससे इसको, फिर इसको, फिर सेकेंड टर्म से इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम कैसे करेंगे देखते हैं। 6 को जब आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टू ज़ा 12 132 प्लस 6 को x से करेंगे 6x। ऐसे ही जब आप 22 से करेंगे x को, तो 22x प्लस x मल्टीप्लाई x, x स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट वाला हमने कर लिया, इक्वल्स टू 10 को 14 से करेंगे 140 आएगा, और जब इसको आप 10 को x से करेंगे तो 10x होगा। ऐसे ही x को जब 14 से करेंगे तो 14x हो जाएगा, और x को x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, काटना शुरू करते हैं। x स्क्वायर इधर दोनों है, इधर आएगा ये माइनस हो जाएगा, तो मतलब ज़ीरो ही हो जाएगा, तो हमने काट दिया उसको। 6x और 22x हो गया 28x और ये 132 प्लस इज इक्वल्स टू 140 प्लस 14 और 10 24 24x। इसको हम एक साइड कर लेते हैं, x वाले को एक साइड कर लेते हैं। 28 इधर है x के साथ, प्लस में है ये 24, प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा।
तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं 28 में से 24 घटा करके 4x लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू, ऐसे ही प्लस 32 है यहाँ पे, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 140 में से 132 जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम देखेंगे x की वैल्यू आएगी 8/4 और 8/4 होगी और इसको हम काट देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। मतलब अगर हम 6 में यही उठाते हैं 6 प्लस एक्स और फिर रेशियो 10 प्लस एक्स प्रोपोर्शन टू 14 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, ये हमारी कंडीशन थी। अगर हम 6 में 2 ऐड करते हैं 8 हो गया, रेशियो 10 में 2 करेंगे 12 हो गया, 14 में 2 करेंगे 16 हो गया और 22 में 2 करेंगे 24 हो गया, ठीक है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, फर्स्ट क्वेश्चन में, ओके। सो द आंसर विल बी 2। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही इजी था। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 9 एंड रेस्ट 10, 11, 12, 13, 14 यू विल ट्राई बाय योर ओन, एंड जो भी डाउट होगा आप डाउट सेशन में मुझसे पूछेंगे, मैं क्लियर कर दूंगी। बाकी आपके ये 5 क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट वर्क हैं, 9 तक हमने सॉल्व किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल डिस्कस अदर थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।